जम्मू की तावी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से अचानक दो लोग नदी में फंसते दिखे। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य चलाया और दोनों को बचा लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से खुले श्रीनगर के 190 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल, कई और शिक्षण संस्थान भी खुले। 370 हटाए जाने के बाद दो हफ्तों तक बंद थे स्कूल कॉलेज। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवा दोबारा बंद। राज्य के सुरक्षा सलाहकार ने कहा, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। भारी बारिश से पहाड़ों का मलबा सड़क पर जमा, सड़क साफ करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्बी भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पर हर भारतीय को गर्व है और एनडीए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर जोर दिया है। रेप के आरोपों को खारिज करने की तरुण तेजपाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। तेजपाल पर चलता रहेगा केस, 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश। ILFS घोटाला मामले में MNS प्रमुख राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय का समन, 22 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व CM मनोहर जोशी के बेटे से पूछताछ आज। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से फायरिंग के साथ साथ मोर्टार भी दागे गए। महाराष्ट्र के धुले जिले में ST बस और कंटेनर की भिड़ंत में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 20 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी अस्पताल में भर्ती। बिहार के CM नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जगन्नाथ मिश्रा के निधन पर शोक जताया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र के निधन पर बिहार में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। दिल्ली में उनके आवास पर शोक की लहर। आरोपी विधायक अनंत सिंह ने किया वीडियो जारी। वीडियो में अनंत सिंह ने लिपि सिंह पर जानबूझकर फंसाने का लगाया आरोप। शैला रशीद की गिरफ्तारी की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दर्ज कराई शिकायत। भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी की मांग उठी। दिल्ली NCR में 6 महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खुलेंगे 300 और चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के तहत चल रही है। हैदराबाद में BJP ने चलाया डोर टू डोर स्वच्छता अभियान। स्थानीय लोगों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। BJP के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा भी रहे मौजूद। लेह एयरपोर्ट पर आज कई फ्लाइट रद्द कर दी गई। मौसम की वजह से आज दिल्ली से लेह जाने वाली फ्लाइट नंबर UK601 और लेह से दिल्ली के लिए फ्लाइट नंबर UK602 को कैंसिल करने का ऐलान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में यमुना के बढ़ते जलस्तर पर ली आपात बैठक। कहा, दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं। यमुना के पास रहने वालों से अपील है कि वे जगह खाली कर दें। 9 साल बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरनाक स्तर के करीब पहुंची यमुना। सोमवार को 204.5 मीटर हो सकता है यमुना का जलस्तर। मुरैना जिले में चंबल नदी का रौद्र रूप लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना। मुरैना के पोरसा जनपद इलाके के 3 गांव पिछले 2 दिन से टापू बने हुए हैं। इन गांव में लगभग 1000 लोग फंसे हुए हैं। पंजाब मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट से कई जिलों में आज स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई भारी बारिश की वजह से NH 205 के नजदीक लैंडस्लाइड हो गया। एक एंटर खाई में गिरा और उसके ड्राइवर की मौत हो गई। चंडीगढ़ मनाली NH 205 आज बंद रखा गया है। भाखड़ा नांगल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद से सतलुज नदी के निचले इलाकों के अलावा पंजाब के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। रूपनगर, लुधियाना, फिरोजपुर और सतलुज के निचले इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आराकोट में बादल फटने की वजह से कई घर जमींदोज हो गए। बादल फटने से 2 की मौत और 2 लापता हुए। दर्जनों घरों को भारी नुकसान पहुंचा। NDRF के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के कारण 4 धाम मार्ग समेत 161 मार्गों पर आवाजाही बंद। बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें खोलने के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। सड़कें बंद होने से 4 धाम यात्रा रोक दी गई। सवाई माधोपुर में पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत। जाति की बावड़ा के पास हुआ हादसा तो सीकर के दांतारामगढ़ में कुंड में डूबे। अल्मोड़ा में सोमवार से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रामनगर मोटर मार्ग पर सुअर खाल गधेरे के ऊपर पानी आने से GMU की बस गधेरे के उफान की चपेट में आई।
हिमाचल के सिरमौर जिले में करीब सभी नदियां उफान पर हैं। पावटा साहिब के आसपास यमुना गिरी और बाता नदियां भी उफान पर। नेड़ा नदी में टिम्बी के पास 5 मकान और स्वास्थ्य विभाग का प्राइमरी हेल्थ सेंटर नदी की भेंट चढ़ा। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब से संघर्ष को डराने वाली तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से उत्तराखंड गया एक परिवार बरसाती नाले में फंसा। एक कार में 8 लोग सवार थे और झंगड़ी नाला पार करते वक्त इस परिवार की कार बह गई। मध्य प्रदेश के भिंड में 3 दिन से बाढ़ के कारण खेत में फंसे किसान का रेस्क्यू। चंबल नदी में उफान के चलते आसपास के इलाकों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा। हरियाणा के पानीपत में भी यमुना नदी के तटबंध में कटाव से लोगों की बढ़ी चिंता। लोगों को सताने लगा बाढ़ का डर। यमुना किनारे बसे लोगों की बढ़ सकती है मुसीबतें। पहाड़ पर हो रही बारिश का मैदानी इलाकों में दिखने लगा असर। हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी के आसपास का इलाका जलमग्न। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड। चकराता में कई जगह पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद। कई घंटे तक फंसे रहे यात्री। 11 लाख के इनामी 2 माओवादियों के साथ 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पित माओवादियों में एक सेक्शन कमांडर और एक सेक्शन डिप्टी कमांडर शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरक्षण पर बयान। अटल जी के प्रधानमंत्री रहने के कार्यकाल के दौरान आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सर्वचेष्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। पूर्व सचिव सैयद सर्वचेष्टी ने दी सफाई। हरियाणा के बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के बाहर लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। बम स्क्वाड ने की जांच तो बैग में मिले कपड़े। गोरखपुर से एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई। बिरादरी की पंचायत ने 71 भेड़ों के बदले एक शख्स को अपनी पत्नी को प्रेमी के हवाले करने का फैसला सुनाया। आगरा मार्ग में तेलंगाना से बीजेपी के इकलौते विधायक टी राजा सिंह का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। विधायक ने कहा कि जब तक गौ हत्या पर प्रतिबंध का बिल नहीं आएगा मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ेंगी। आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी। विधानसभा उपचुनाव नगरीय निकाय पंचायत चुनावों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त। शनिवार को हुई थी कोर ग्रुप की बैठक। लखीमपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जमीन का कब्जा खाली करने गए प्रशासन को लगातार तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। भारी भरकम पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी। आग फोड़वा कांड में शुरू हुआ आरोपों का दौर। पीसीसी सचिव राकेश सिंह ने सुमित्रा महाजन समेत बीजेपी और संघ पर साधा निशाना। बोले आई हॉस्पिटल को मिला था पूर्व स्पीकर का संरक्षण। सीएम से बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग। आचार्य देव मुरारी बापू ने कमलनाथ सरकार की बढ़ाई मुश्किल। आज सीएम हाउस के सामने खुदकुशी करने की दी चेतावनी। कांग्रेस सरकार पर सम्मान नहीं करने का लगाया आरोप। मंत्री पीसी शर्मा का बयान धैर्य रखे मुरारी बापू। राजस्थान के उदयपुर के एक गांव के पास जंगलों में 250 ग्राम से 2.5 किलो तक की 3 सोने की मूर्तियां मिली। मूर्तियों की मार्केट वैल्यू करोड़ों में। स्वतंत्र देव सिंह ने योगी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। देर रात सीएम योगी ने मंजूर किया इस्तीफा। एक व्यक्ति एक पद के बीजेपी के सिद्धांत के चलते दिया इस्तीफा। बिहार की राजनीति से तेजस्वी यादव के लगातार गायब रहने को विरोधी दलों ने मुद्दा बना लिया है। इस मामले में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने तेजस्वी पर निशाना लगाते हुए उनको गैर जिम्मेदार ठहरा दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों की मनमानी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही को कार से 4 से 5 किलोमीटर तक घसीटा। जिया खान की मौत पर बनने जा रही है डॉक्यूमेंट्री। 3 पार्ट में दिखाई जाएगी पूरी मौत की कहानी। ब्रिटिश टेलीविजन ब्रॉडकास्टर बनाएंगे डॉक्यूमेंट्री। बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे 200 किलो वजन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर ने अपने अंदाज से सभी को चौंका दिया है। कॉफी चेन सीसीडी कर रही है विनिवेश की तैयारी। मालिक की मौत के बाद से संकट में कंपनी। कंपनी पर 4,970 करोड़ का है कर्ज। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा देश की आर्थिक वृद्धि इस समय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर नीति निर्माता इसको लेकर चिंतित है। अच्छे मानसून की वजह से देश में बम्पर फसल होने की उम्मीद जताई गई है। इस बार बारिश औसत से 25% ज्यादा हुई है जिससे रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन होगा। देश में फिलहाल खरीफ की फसलों की बुआई रफ्तार पकड़ चुकी है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम का स्टैंड बनाया जाएगा। क्रिकेट में कोहली का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और योगदान को देखते हुए दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA ने ये फैसला लिया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट के साथ कश्मीर में 15 दिन बिताकर लौटे वापस। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि पा चुके धोनी ने 15 अगस्त को अपनी ड्यूटी समाप्त की।
हांगकांग में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भारी बारिश के बीच प्रदर्शनकारी चीनी सरकार के नए प्रत्यर्पण बिल का विरोध कर रहे हैं। पेरिस के नजदीक एक कैफे में ग्राहक ने सैंडविच को तैयार करने में हो रही देरी से परेशान होकर एक वेटर को गोली मार दी। पाक रेलवे मंत्रालय ने समझौता और थार एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को दोबारा शुरू करने से किया इनकार। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के चलते पाकिस्तान ने इन ट्रेनों के संचालन को पिछले हफ्ते से किया है बंद।